वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उसके मुंह पे करते थे तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती, इसी का नाम गीबत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ दुनिया में गीबत हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ दुनिया के अंदर गीबत है कि नहीं है? घर घर गीबत आम है, घर घर जो है मोहल्ला मोहल्ला गीबत आम है, बल्कि अब तो अल्लाह के घर में बैठ कर भी गीबतें होती है, मसनदे दर्श पर बैठ कर भी गीबत होती है। फिर मुझे बताओ वो बदबू क्यों नहीं आती जो रसूलुल्लाह की महफिल में आई थी? वो महफिल रसूल में जो बदबू आई थी वो आज की महफिलों में क्यों नहीं आती? उसकी वजह ये है कि जो इंसान साफ सुथरे माहौल में रहता है और अचानक वो बदबूदार माहौल में चला जाए तो उसको बदबू का एहसास होता है। लेकिन इंसान अगर बदबूदार माहौल में रहते रहते इतना आती हो जाता है बदबू का कि उसकी नाक के कीड़े मर जाते हैं, फिर उसको बदबू नहीं आती और वो वहां पर शान से जीता है। अच्छे माहौल से बदबू में आने वाला अपनी नाक पर हाथ रख करके आता है, लेकिन वो बंदा जो बदबू के माहौल में रहता है उसे बदबू का एहसास नहीं होता। तो सहाबे किराम का माहौल बदबू से पाक था, इसलिए गीबत से पाक था, इसलिए उन्हें गीबत की बदबू आ गई। और आज का माशरा गीबत गीबत गीबत, इतनी बदबू पहले से मौजूद है कि अब हमारी नाक उस बदबू को गीबत की बदबू को महसूस नहीं करती। तो अब ये कहना कि सहाबा की महफिल में गीबत की बदबू आई थी, अगर आज बदबू नहीं आती तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में गीबत नहीं होती। अब इस हदीस को सामने रखें, इसकी तशरीह को सामने रखें। अब ये कहना कि क्या सहाबा ने मस्जिद नबवी सजाई थी? क्या सहाबा ने शबे बरात मनाई थी? नादान मुझे एक रात ऐसी बता दे कि जिस रात में सहाबा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू न बहाए हों। कोई एक रात ऐसी बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हों। एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा की रात और दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रात और दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहू तराउ रुकान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि वरिदवाना तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं। और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रात और दिन अल्लाह की इबादत करते थे, रात और दिन तो यूं बयान किए। और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्कर फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ध रब्बना मा खलकता हादा बातिला सुभानका फकीना अज़ाब अन्नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटे लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बरात थी, उनकी हर रात शबे बरात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बरात मनाए क्यों? आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहकहे लगाने लगे। अब बताएं तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है, क्या सहाबा ने शबे बरात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बरात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बरात क्या है? कोई उसमें आर्केस्ट्रा होता है? शबे बरात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजरी दो। हाजरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर एक, शबे बरात में सबको बख्शा जाता है
उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत ये है कि शबे बरात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे, ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा। तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जो जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरते वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।